दोनों दलों में पत्थरबाजी हुई, लात घूंसे चले, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर यहां पर लाठीचार्ज भी किया। ये आंदोलन जो है पहले गैर राजनीतिक माना जा रहा था, मगर अब ये राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, देश भर से आवाज भी, समर्थन भी, मगर जो ये पहले आंदोलन था गैर राजनीतिक माना जा रहा था, अभी राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दी, उसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए ऋषा, एनएसए की तरफ से बीजेपी का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। बीजेपी मुख्यालय आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं। और एनएसए की तरफ से ये तय किया गया था कि वो बीजेपी कार्यालय के सामने घेराव करेगी, और उसके बाद में एनएसए के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद कह सकते हैं यह कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन करने की कोशिश की गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं यह विरोध हुआ। बैरिकेटिंग लगा दी गई है, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यह बैरिकेटिंग कर दी गई है। पुलिस के तमाम जो जवान हैं, पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद है, और वो यहां पर आप देख सकते हैं इस रोड को पूरा ब्लॉक किया गया है इस वक्त ऋषा, क्योंकि जिस वक्त हाथापाई आमने सामने हुए थे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके बाद पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची थी और वहां पर कह सकते हैं उसके बाद स्थिति को कंट्रोल लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं भारत बंद किसानों की तरफ से बुलाया गया था, माना जा रहा था कि गैर राजनीतिक होगा, लेकिन राजनीतिक रूप इससे कह सकते हैं बंद ने ले लिया। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर जब पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और उसके बाद आमने सामने मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आप थे उस वक्त, किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से पूरा मामला बरपा, कुछ तस्वीरें आपको मैं और दिखा जाऊंगा एक सेकेंड के लिए। पुलिस कह सकते हैं पुलिस फोर्स के यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं सीनियर, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। राहुल प्रकाश आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राहुल प्रकाश कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो खुद कहीं ना कहीं कह सकते हैं मॉनिटरिंग इस पूरे इश्यू को कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर जब ये इस तरह का कह सकते हैं प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद एक मेरे साथ राहुल प्रकाश सर जुड़ गए हैं एडिशनल कमिश्नर। सर, बंद था लेकिन ये राजनीतिक रूप यहाँ कार्यकर्ता है, और किस तरह के हालात, अब किस तरह की स्थिति है कंट्रोल में? स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, यहाँ पे जाप्ता भी उपलब्ध था, हमारे सीनियर अधिकारी भी उपलब्ध थे, और थोड़े थोड़े युवा थे दोनों तरफ से, उनको समझा बुझा करके एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। और अवश्य ही सबकी तरफ से ये अपील की गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्यक्रम करना है तो अवश्य इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को टारगेट करना या इस तरह का कोई विद्वेष का स्थिति पैदा नहीं हो। जिसको अपनी बात कहनी है संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सामने रखना चाहिए। राहुल जी, क्या लोगों को डिटेन किया गया? अभी किसी को डिटेन नहीं किया गया, अभी केवल यहाँ पर डिस्पर्सल किया गया है, और जो भी आई कार्रवाई होगी वो बात करके की जाएगी। राहुल जी, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स थी, इसके बावजूद पत्थरबाजी के हालात बन गए, दोनों तरफ के कार्यकर्ता भिड़ गए, बल्कि भारी पुलिस बजाता है तैनात था। पुलिस यहाँ पर तैनात थी और हमारे अधिकारी भी थे, उन्होंने अपने विवेक का परिचय देते हुए सूझबूझ से दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग किया और किसी भी अप्रिय स्थिति को होने से रोका। क्या किसी पुलिसकर्मी को चोट भी आई? हमने देखा कि कैमरा, अभी इस विषय पर बात करेंगे। तो अभी क्या स्थिति नियंत्रण में? पूरी तरीके से नियंत्रण में है, पूरी तरीके से नियंत्रण में है, और जो भी कार्यकर्ता थे उनको डिस्पर्स कर दिया गया है, पूरी तरीके से शांति है, और पुलिस लगातार मोबाइल रहेगी, गश्त करेगी। निश्चित तौर पे राहुल प्रकाश जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए जिस तरह का ये आंदोलन था, लेकिन इस तरह का इशू बना। विवेक मेरे साथ है, विवेक जब आप थे किस तरह के हालात थे, किस तरह की का यह जबावड़ा हुआ आमने सामने?
बिल्कुल देखिए, एनएसए कार्यकर्ताओं की ओर से बंद को समर्थन देते हुए भाजपा मुख्यालय के घेराव का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। और जिस तरह के खुफिया एजेंसियों के जरिए भी जब पुलिस की सूचना मिल चुकी थी, तमाम पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को दूर रोक दिया गया था। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्हें दूर ही रहने के लिए कहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जद्दोजहद कर एनएसए कार्यकर्ता यहां तक पहुंचे। और तस्वीरों में यहां पर देखिए, बिल्कुल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पुतला यहां पर फूंक लगे, उसी वक्त दोनों पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई और गुत्थम गुत्था दोनों पक्ष। कहीं ना कहीं आपको लगता है पूरा राजनीतिक इशू बन गया, क्योंकि भारत बंद किसानों का था लेकिन बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहां पर आज राजधानी जयपुर में ही देखी, तो ये कहा जा सकता है कि जो बंद, जो शांतिपूर्वक बंद का जिस तरह का आह्वान किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल काफी जो है यहां पर उत्तेजित यहां पर हुए, नारेबाजी करे और एक दूसरे के आमने सामने अब स्थिति राजधानी जयपुर में यहां पर सामने आई। तो हालात बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन राजधानी जयपुर में इसे कहा जा सकता है। ऋषभ, निश्चित तौर पर मेरे सहयोगी विवेक भी बता रहे हैं और एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस तरह के इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात रखी गई थी, लेकिन एनएसए कार्यकर्ताओं के यहाँ आने से बीजेपी और एनएसए कार्यकर्ता आने सामने और उसके बाद में यहाँ पर कुछ पथराव हुआ। ऋषभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो अपनी बात विनम्रता पूर्वक रख रहे थे, मगर जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर हो रही है, ये लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं या किसानों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे किसानों की तरफ से जो भारत बंद का कॉल किया गया था वो 11 बजे से 3 बजे तक था। अब इसमें खास तौर पे किसानों की तरफ से ये कहा गया था और खासकर राजस्थान सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता, खासकर कांग्रेस का अग्रिम संगठन एनएसवाई, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था और वो तमाम लोग यहाँ पर आए थे, कह सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए, पुतला दहन करने के लिए। उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद वो आमने सामने हुए। निश्चित तौर पे ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन, हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इसको समर्थन दिया, कई संगठनों ने समर्थन दिया, व्यापार मंडलों ने समर्थन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर देखा कि ये राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं इस बंद ने ले लिया और उसके बाद में कह सकते हैं इसी के मद्देनजर दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो गए और उसके बाद में यहाँ पर यह हालत बने। फिलहाल पुलिस की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है एहतियात के तौर पर, अब फिलहाल स्थिति कंट्रोल में। और जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे थे निशा कि इस तरह के जी ऋषा, निश्चित तौर पे पुलिस अधिकारी जिस तरह से कह रहे थे कि इस तरह के आंदोलन जो है उनको कहीं ना कहीं संयम बरतने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं संयम का आधार है जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो अनिश्चित के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। ऋषा, चलिए दशरथ बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ और अधिक जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम ताजी खबरों के साथ। चांदपोल बाजार में बंद को लेकर यहां पर झड़प हो गई। जयपुर के चांदपोल बाजार में बंद को लेकर झड़प, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में यहां पर उलझ गए। दीनानाथ जी के रास्ते को बंद कराने में ये झड़प हुई है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। किसानों का भारत बंद का आह्वान और चांदपोल बाजार में बंद को लेकर यहां पर झड़प हो गई। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, जहां पर सरकार वर्सेस किसान थे, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गई है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, पहले किसान और सरकार के बीच में ये झड़प थी, मगर अब जिस तरीके से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो चुकी है, क्या कुछ यहां पर अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से ये लोग विनम्रता पूर्वक किसान अपना जो आंदोलन कर रहे थे, अब वो विनम्रता पूर्वक नहीं हो रहा है। जयपुर की अकेले बात की जाए तो ये दूसरी झड़प यहाँ पर सामने आ रही है। स्थिति ऐसी ही है और क्योंकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर की जो स्थिति बनी, उसके बाद यहाँ पर जो चांदपोल बाजार है परकोटे का, चांदपोल बाजार की दीनानाथ की गली के पास, जब कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो पार्षद प्रत्याशी जब यहाँ पर समझाइश करने के लिए गए गांधीवादी तरीके से, इस दौरान व्यापारियों ने भी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि किस तरह से उनका जो जो
व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस माहौल में अगर वो अपना बाजार बंद करते हैं और अपनी दुकान बंद करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है। इस दौरान पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उन दोनों में आपस में कहासुनी होने के साथ ही झड़प भी हुई, धक्का मुक्की में कुछ लोग सड़क पे भी गिर गए। हालांकि यहाँ पर जो पूरी स्थिति थी, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पूरा भारत बंद का जो आह्वान किया गया था किसानों की ओर से, लेकिन ये मामला अब सत्ता पक्ष केंद्र की जो बीजेपी है और जो बीजेपी पार्टी और विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनके बीच का अब आपस में तलवार खींचती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल इस भारत बंद का देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के साथ भी धोखा है जो किसान अपनी मांगों पर अड़े थे, लेकिन अब ये जो मुद्दा है वो अब अपना जो कहें कि एक स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में भी अलग अलग लोगों की ओर से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से जबरन दुकानें बंद करवाने की घटनाएं हुई है जयपुर में। हालांकि यहाँ पर जो कांग्रेस सेवा दल है, सेवा दल की ओर से केवल शांति मार्च निकाला गया और विनम्र पूर्वक गांधीवादी तरीके से फूल देकर दुकानदारों से अपील की गई कि वो इस बंद में शामिल हों। हालांकि राजधानी जयपुर की अगर बात करें निशा, तो कोई खास असर देखने को बंद का नहीं मिला है। हालांकि अधिकतर व्यापारियों ने इसमें समर्थन भी दिया है और जो बाजार है वो बंद पड़े हैं, लेकिन जो बंद का असर है वो फिलहाल 2 से 3 बजे के बीच तक ही रहने वाला है। जी ये तो व्यापारियों के ऊपर है ना कि वो लोग अपनी दुकानें बंद करते हैं या नहीं, ये लोग इसको क्या रूप देने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये लोग तो अपने वर्चस्व की लड़ाई बना रहे हैं इसको। देखिए वाकई स्थिति ऐसी ही है, वर्चस्व की लड़ाई से नहीं बनानी जाए थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो मुद्दे हुए हैं और जो कांग्रेस और बीजेपी के जो आपसी कार्यकर्ता उसमें भिड़े हैं तो ये बात इससे स्पष्ट होती है। लेकिन व्यापारी, क्योंकि आपने भी देखा है लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के बीच में व्यापारी वर्ग किस तरह से परेशान रहा, उनके रोजगार पर किस तरह से कैंची चली, लेकिन अगर वो अपना व्यापार बंद रखते हैं तो उन पर फिर कहीं ना कहीं घास गिरने की स्थिति है, लोगों के रोजगार चले गए हैं। लेकिन ये जो मुद्दा था, हालांकि शांति के पूर्वक किसानों ने ये बात भी कही थी कि जहां पर भी सभाएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, वहां पर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को मंच पर जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां राजधानी जयपुर में एक भी किसान कहीं दिखा नहीं, किसान का कोई प्रतिनिधि वॉलंटियर नहीं दिखा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में खासकर जो कांग्रेस है, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरा समर्थन करने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बाजार बंद कराते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र, यहाँ पर इन्होंने खुद को मंच दे दिया है, क्योंकि किसान तो इनके साथ नजर नहीं आए मगर इन्होंने खुद को ही अपना मंच दे दिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये दूसरी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली, सुबह बीजेपी मुख्यालय में ये हंगामा हुआ, उसके बाद चांदपोल में ये हंगामा हुआ, उसको देखते हुए राजनीतिक रंग तो इन लोगों ने इसे दे दिया है। वाकई आप सही कह रहे हैं कि जो मुद्दा किसान हित में था, जो कि 13 दिन से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, दिल्ली में जाकर पूछ की उन्होंने, करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा राज्यों के किसान दिल्ली में डटे, भारत बंद का आह्वान किया गया। लेकिन जयपुर में भी यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी अलग होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बड़ा शहर है जयपुर और जयपुर में जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कहें कि पॉलिटिकल एंगल इसमें नजर आया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हालांकि विपक्ष में है लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करना, पुतला फूंकना और आपस में एक दूसरे पर झड़प होना, पुलिस प्रशासन का मौन बने रहना, कहने का ही सवाल उठाता है। तो ऐसे में यहाँ पर व्यापारियों ने अपने प्रोटेक्शन की मांग भी उठाई थी, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर अधिकतर दुकानें जब जबरन बंद करवाई जा रही थी तो पुलिस केवल मूक दर्शक बनी हुई थी, तो ऐसे में व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद करना ही सही समझा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर के चांदपोल बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर थी कि चांदपोल बाजार में बंद को लेकर यहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर अपील की हो कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर भारत बंद का आह्वान किया जाए, मगर जिस तरीके से यहां पर झड़प होती दिखाई दे रही है, वो लोग अपना गैर राजनीतिक जो ये आंदोलन था उसको राजनीतिक आंदोलन का इन्होंने रंग दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो राजनीतिक रंग है वो तो कांग्रेस और बीजेपी ने इसको दे दिया है, क्योंकि भारत बंद है, उसका समर्थन भी लोग कर रहे हैं, मगर गांधीवादी तरीके से अगर अपील की जा रही थी तो वहां पर गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत आ रही थी, क्यों इसको रूप देने की ये जरूरत आ रही थी।